धन्यवाद श्री बाबू सिंह राठौर। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा वर्ष 2022 में कृषि कनेक्शन के लिए दिए गए कार्य आदेश में से शेष रहे 1694 कृषि कनेक्शन करने हेतु BOQ रिवाइज के लिए प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम स्तर पर लंबित पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2022 में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु लाइन मटेरियल ट्रांसफार्म सहित टेंडर कर अलग अलग कंपनियों को कार्य आदेश दिए गए थे, जो निम्न प्रकार हैं: मैसर्स ईश्वर मेटल्स TNTW 613 कुल कनेक्शन 2453, मैसर्स हिंद कंस्ट्रक्शन TNTW 614 कुल कनेक्शन 2686, मैसर्स अब्स ल्यूट TNTW 615 कुल कनेक्शन 3358 कुल कनेक्शन 8497। इस प्रकार उक्त तीनों कंपनियों को कुल 8497 कृषि कनेक्शन करने का कार्य आदेश दिया गया, जिसमें से तीनों कंपनियों ने आज दिनांक तक कुल 6803 कनेक्शन ही किए। शेष 1694 कनेक्शन कंपनियां नहीं कर रही है। शेष कनेक्शन करने के लिए BOQ रिवाइज हेतु पत्रावली प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम को काफ़ी समय पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, जो अभी तक लंबित है। BOQ रिवाइज का मुख्य कारण यह है कि कृषि कनेक्शन की पत्रावलियां वर्ष 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 की है, जिसके डिमांड नोटिस कुछ महीने पहले जमा हो चुके हैं। क्योंकि भू जल स्तर के उतार चढ़ाव व इतनी पुरानी पत्रावलियां होने के कारण काश्तकार लोड कम या ज़्यादा करवाते हैं, जो कि कृषि नीति के अनुसार सही भी है। इसके अलावा भी लगभग 3500 कनेक्शन काश्तकारों के मांग पत्र जमा हैं, जिसके कनेक्शन करने बाकी है। ये भी OQ रिवाइज नहीं होने के कारण जोधपुर और फलौदी जिले में कृषि कनेक्शन कार्य रुक गए, जिससे भारतीय किसान संघ में आक्रोश फैलने की आशंका जताई जा सकती है। अतः किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2022 में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा दिए गए कार्य आदेश में से शेष 1694 कृषि कनेक्शन करने के लिए BOQ रिवाइज हेतु प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम स्तर पर लंबित पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण करने अथवा निगम अपने स्तर पर निर्णय लेकर CLRC के तहत शेष कृषि कनेक्शन करवाकर किसानों को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद। श्री हाकिम अली खान। माननीय अध्यक्ष महोदय।